अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल नथिंग टू डिफिकल्ट विद लेक्चर मोहम्मद इरफान। तो स्टूडेंट, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो करने जा रहे हैं, और टॉपिक का नेम है मेथड ऑफ अनडिटर्मिनेंट कोफिशिएंट। बहुत सारे स्टूडेंट जो है उनको इस टॉपिक की समझ ही नहीं आती और इस एक्सरसाइज को वो स्किप कर देते हैं, वो करते नहीं है। इंशाल्लाह आज मैं आपको एक ऐसा मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जिससे ये एक्सरसाइज जो है वो आपके फिंगर टिप्स पे जो है वो आ जाएगी। तो आइए स्टूडेंट, हम आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, मेथड ऑफ अनडिटर्मिनेंट कोफिशिएंट बेसिकली है क्या? हम थोड़ा सा 10.2 एक्सरसाइज जो हमने की है उसके ऊपर चलते हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने कुछ स्पेशल केसेस जो है वो पढ़े थे। हमने क्या किया था, We have studied some special cases in which particular integral can be evaluated by inverse operator. तो स्टूडेंट, हमने एक्सरसाइज 10.2 में क्या पढ़ा था, हमने एक्सरसाइज 10.2 में नॉन होमोजीनियस जो लीनियर इक्वेशन है उनको पढ़ा था। वो किस फॉर्म की थी हमारे पास, f of d into y equal to f of x। और हमने ये पढ़ा था कि इस तरह की जो हमारे पास इक्वेशन होती है, इसका जो सोल्यूशन होता है वो हमारे पास इक्वल टू होता है y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी जो है हमारे पास कंप्लीमेंट्री फंक्शन होता है, कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन होता है, और y p जो है वो हमारे पास पार्टिकुलर इंटेग्रल होता है। तो हमने क्या किया था, इन नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में जब हम p i y p फाइंड करते थे तो वहां पे हम कौन सा मेथड यूज करते थे, y p इक्वल टू 1 ओवर इस f ऑफ d को हम इस साइड पे ले आते थे f ऑफ d, और साथ में ये फंक्शन आ जाता था f ऑफ x। तो इस मेथड को स्टूडेंट हम बोलते हैं इनवर्स ऑपरेटर। लास्ट एक्सरसाइज में हमने यहां लिखा है, वी हैव स्टडीड सम स्पेशल केसेस इन विच पार्टिकुलर इंटीग्रल कैन बी एवेल्युएटेड बाय इनवर्स ऑपरेटर। कि हमने एक्सरसाइज 10.2 में कुछ ऐसे केस पढ़े थे जिसमें हम पार्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो इनवर्स ऑपरेटर की मदद से फाइंड करते थे। ये जो हमारे पास मेथड ऑफ अनडिटर्मिनेंट कोफिशिएंट है, जिसको हम शॉर्टकट में यूसी मेथड भी बोलते हैं, बेसिकली ये भी हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिससे हम पार्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो फाइंड करेंगे। पी आई फाइंड करने का ये हमारे पास एक सेकंड मेथड, आप ये कह सकते हो। पहले हमने जो वाई पी है पार्टिकुलर इंटीग्रल, इसको किससे फाइंड किया था, इनवर्स ऑपरेटर से फाइंड किया था 10.2 में। 10.3 में हम जो है वाई पी फाइंड करेंगे किससे, यूसी मेथड से, मीन के मेथड ऑफ अनडिटर्मिनेंट कोफिशिएंट। यहां से हमें यह पता चल गया कि जो मेथड ऑफ अनडिटर्मिनेंट कोफिशिएंट है इसे किस लिए यूज करते हैं, ये हम पी आई जो है पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए यूज करेंगे। और इसमें होगा क्या, आपको यहां से पता चल गया अनडिटर्मिनेंट कोफिशिएंट कि हम कुछ कोफिशिएंट जो है अपने से अज्यूम करेंगे, ठीक है, और फिर उनकी वैल्यू निकालेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हमने इनवर्स ऑपरेटर से वाई पी फाइंड करना सीखा था तो उसमें कुछ कंडीशन थी एफ ऑफ एक्स के ऊपर,
और हम कहते थे एफ ऑफ डी को इधर लाके डिवाइड करवा दो, तो इस तरह से हम वाई पी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो जो यूसी मेथड है ये क्या है और हम इसको किस तरह से फाइंड करेंगे? तो फ्रेंड्स जिस तरह हमने 10.2 में जब हमने इनवर्स ऑपरेटर यूज किया था तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के ऊपर कुछ कंडीशन थी, इसी तरह जब हम यूसी मेथड से वाई पी फाइंड करेंगे तो इसमें भी एफ ऑफ एक्स के ऊपर कुछ कंडीशन हैं जो आपने याद रखनी है। जिस तरह हमने 10.2 में कुछ कंडीशन याद रखी थी, इस तरह आपने इसमें भी क्या करना है, कुछ कंडीशन है एफ ऑफ एक्स के ऊपर कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इस फॉर्म का होगा तो फिर वाई पी हम किस तरह से लेंगे, अगर इस तरह का होगा तो फिर हम वाई पी जो है वो किस तरह से लेंगे। आइए हम देखते हैं कि हमारे पास वाई पी फाइंड करने के लिए क्या कंडीशन है एफ ऑफ एक्स के ऊपर जब हम यूसी मेथड को यूज करेंगे। सबसे पहले हम केस वन की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर तो स्टूडेंट हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो ए, आपके पास क्या है, कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर है, ठीक है। अगर आपके पास ये जो एफ ऑफ एक्स है, ठीक है ना, अब आपके पास क्या होगा, ये कोई भी एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगी और वो कहेगा इस इक्वेशन को आपने किस मेथड से सोल्व करना है, यूसी मेथड से सोल्व करना है, मीन के मेथड ऑफ अनडिटरमिनेट कोफिशिएंट से सोल्व करना है। तो सॉल्यूशन तो यही होगा वाईसी, वाईसी हमें पता है किस तरह से हम फाइंड करते हैं, फाइंड करना हमने वाई पी। अब वाई पी फाइंड करने के लिए इस एफ ऑफ एक्स के ऊपर कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन कौन सी है वो हम पढ़ने लगे यहाँ पे, ठीक है। कि अगर आपके पास कहता है f of x जो है वो इक्वल टू हो a, a क्या है, कोई भी कांस्टेंट नंबर, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन, तो फिर जो इसका y p होगा, देन y p जो है वो आप किस तरह से लिखोगे, इसका x की पावर k और कांस्टेंट a, ठीक है। जब आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है वो एक ऐसा फंक्शन हो, कौन सा कांस्टेंट हो, तो फिर उसका वाई पी किस तरह से लिखेंगे, जो हमने वाई पी अज्यूम करना है, वाई पी इक्वल टू एक्स की पावर के, ठीक है, इनटू ए। ए क्या है, ए भी कोई कांस्टेंट है, और यहाँ पे के क्या है, के आपके पास एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, और के की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास कुछ भी हो सकती है, के आपके पास मैंने बता दिया है नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मीन के आपके पास 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये हम किस तरह से यूज करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा के 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि के जो है हमने कैसे यूज करना है, कि ये के की वैल्यू हमारे पास 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी या 3 होगी। जस्ट अभी ये समझो कि अगर आपके पास जो फंक्शन है वो कॉन्स्टेंट हो तो फिर उसका वाई पी आपने किस तरह से लिखना है, वाई पी इक्वल टू एक्स की पावर के इंटू ए। सेकेंड, अगर आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ई की पावर ए एक्स, तो फिर इसका जो आप वाई पी स्टूडेंट लिखोगे वो क्या होगा, देन वाई पी इक्वल टू होगा एक्स की पावर के और ए ई की पावर ए एक्स, ठीक है। ए क्या है, ये हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर होगा, एफ ऑफ एक्स अगर आपके पास क्या हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, तो फिर इसका वाई पी किस तरह से लिखेंगे, एक्स की पावर के इंटू ए इंटू ई की पावर ए एक्स। थर्ड प्रश्न, अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो, एन पॉलिनोमियल हो, ठीक है, अगर हमारे पास क्या हो, एक एन पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, हमारे पास क्या हो, एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो, तो फिर इसका वाई पी जो है वो क्या आएगा, जो इसका वाई पी होगा स्टूडेंट वो आ जाएगा एक्स की पावर के इंटू ए वन एक्स एन प्लस ए टू एक्स एन माइनस वन प्लस सोन प्लस ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो कोई पॉलिनोमियल फंक्शन हो तो फिर उसका जो वाई पी है वो हम इस तरह से लिखेंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल ये किस तरह से हो सकता है, हम कहते हैं ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल टू आ गया जी 4x² + 3x +
वन, इस तरह से देखो एक पॉलिनोमियल आ गया। तो जब हम इसका वाई पी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वाई पी देखो हाईएस्ट पावर से यहां पे ये आ गया, या मैं यहां पे सिंपल ले लेता हूं जिस तरह इस फॉर्म का ले लेता हूं एक्स की पावर फाइव, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हाईएस्ट पावर ये कॉन्स्टेंट लगाना है, फिर इसकी पावर एक एक करके काम कर देना है, बी एक्स की फोर प्लस सी एक्स की थ्री प्लस डी एक्स की टू प्लस ई एक्स की वन प्लस एफ, यानी कि हाईएस्ट पावर से लेकर आपने उसके कॉन्स्टेंट तक जो है उसकी एक एक डिग्री जो है वो काम करते जाना है और कॉन्स्टेंट तक जाके इसको स्टॉप कर देना। इस तरह से आपने वाई पी जो है वो उसको लिखना है, और साथ में आपने क्या लिखना है, साथ में एक्स की पावर के, ठीक है। कि अगर आपके पास कोई भी, यहां पे मैंने फाइव लिखा, हंड्रेड भी आ जाए तो आप हंड्रेड से स्टार्ट करोगे, हंड्रेड नाइनटी नाइन नाइनटी एट नाइनटी सेवन और आपको कहां तक, कॉन्स्टेंट तक जो है वो लिखना है, यानी कि एक्स की पावर जीरो तक, यहां पर कॉन्स्टेंट डाल दो एक्स की पावर जीरो तक जो है वो आपने इसको लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। आगे स्टूडेंट, अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है वो आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन के साइन ए एक्स या कोस ए एक्स, तो फिर इसका वाई पी हम किस तरह से लिखेंगे, इसका जो स्टूडेंट वाई पी होगा, वाई पी इक्वल टू एक्स की पावर के इंटू ए कोस ए एक्स प्लस बी साइन ए एक्स, दोनों में से कोई भी आ जाए, अगर साइन आ जाए तो फिर भी आपने इस तरह से लिखना है, अगर कोस आ जाए तो फिर भी आपने इसी तरह से लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। आगे स्टूडेंट, अगर इनका आ जाए प्रोडक्ट किस तरह से, आपके पास आ जाए जी ई की पावर, अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो इस तरह से हो, ई की पावर ए एक्स और एक्स की पावर एन, मीन के आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उनका प्रोडक्ट आ जाए, तो फिर आपने वाई पी को किस तरह से लिखना है, देन आपका जो वाई पी होगा वो इक्वल टू होगा स्टूडेंट एक्स की पावर के इंटू पॉलिनोमियल, जिस तरह से ये वाली साइड ओपन करेंगे, ए वन एक्स की पावर एन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस सोन प्लस ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन और ई की पावर ए एक्स, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। अगर आपके पास पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का प्रोडक्ट आ जाए तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे का वैसे ही रहेगा, और जो हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन होगा उसको हम ओपन करेंगे। फिर अगर स्टूडेंट हमारे पास एफ ऑफ एक्स ऐसा हो कि इसमें आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इसके साथ आ जाए क्वाड्रेट सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक साइन ए एक्स आ जाए या कोस ए एक्स आ जाए, तो फिर हम इसका वाई पी किस तरह से लिखेंगे, इसका फिर वाई पी जो है वो स्टूडेंट होगा एक्स की पावर के, हम इसको ओपन करेंगे ए कोस ए एक्स प्लस बी साइन ए एक्स, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ये वैसे का वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट, अगर स्टूडेंट आपके पास आ जाए एफ ऑफ एक्स जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनका प्रोडक्ट आ जाए साइन ए एक्स और कोस ए एक्स का, ठीक है, तो फिर इसमें हम वाई पी किस तरह से लिखेंगे, हमारे पास जो फिर वाई पी होगा वाई पी इक्वल टू एक्स की पावर के, तो यहां पे आ जाएगा, हम इसको ओपन करेंगे ए वन एक्स की पावर एन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस सोन प्लस ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन, और साथ में आ जाएगा कोस ए एक्स प्लस, फिर इस तरह हम इसके साथ लिखेंगे प्लस
बी वन एक्स एन प्लस बी टू एक्स एन माइनस टू प्लस सोन प्लस बी एन माइनस वन एक्स प्लस बी एन यहां पर आएगा साइन ए एक्स। तो इस तरह से हम लिखेंगे अगर स्टूडेंट आपके पास फंक्शन किस तरह से हो पॉलिनोमियल और जो साइन एक्स और कोस एक्स का प्रोडक्ट हो तो फिर हम इसका वाई पे किस तरह से सपोज करेंगे एक्स की पावर के इनटू पॉलिनोमियल फंक्शन को हम ओपन करेंगे साथ में कोस एक्स आ जाएगा प्लस फिर पॉलिनोमियल फंक्शन को ओपन करेंगे साथ में साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर स्टूडेंट आगे इन तीनों का प्रोडक्ट इकट्ठा ही आ जाए यहां पर तो ना प्रोडक्ट आ रहा है एक्सपोनेंशियल का फिर पॉलिनोमियल का या एक्सपोनेंशियल का ट्रिग्नोमेट्रिक का या पॉलिनोमियल का ट्रिग्नोमेट्रिक अगर इन तीनों का इकट्ठा आ जाए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो ई की पावर ए एक्स इंटू एक्स की पावर एन इंटू साइन ए एक्स या कोस ए एक्स अगर इन तीनों का प्रोडक्ट इकट्ठा आ जाए तो फिर हम इसको किस तरह से लिखेंगे यही मेथड होगा सेम। तो इसका जो वाई पी होगा वाई पी इक्वल टू एक्स की पावर के, ठीक है, और यहां पे हम इसको ओपन करेंगे ए वन एक्स की पावर एन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस सोन प्लस ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन और e की पावर ए एक्स और कोस ए एक्स। ठीक है, यानी कि हम अगर तीनों का प्रोडक्ट आ जाए तो पॉलिनोमियल को ओपन करेंगे e की पावर ए एक्स और कोस एक्स वैसे का वैसे आ जाएगा प्लस सेम हम नीचे वाले में लिख देंगे बी वन एक्स एन प्लस बी टू एक्स एन माइनस वन प्लस सोन प्लस बी एन माइनस वन एक्स प्लस बी एन और साथ में आ जाएगा ई की पावर ए एक्स और साइन ए एक्स। तो ये स्टूडेंट हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि अगर हमारे पास जो है वो इन तीनों का प्रोडक्ट आ जाए तो फिर वाई पी सिलेक्ट किस तरह से करेंगे हम इस फॉर्म में सिलेक्ट करेंगे। ये तो स्टूडेंट हमारे पास हो गया सिंगल सिंगल कि अगर हमारे पास कांस्टेंट आ रहा हो तो वाई पी को हमने इस तरह से सिलेक्ट करना है एक्सपोनेंशियल आ रहा हो तो इस तरह ये सारे और यहाँ पे हमने बात कर ली कि अगर इनका प्रोडक्ट आ रहा हो तो फिर हमने वाई पी जो है वो किस तरह से सिलेक्ट करना है। थर्ड आ जाता है कि अगर इन टर्म का सम आ जाए फॉर एग्जाम्पल देखो अगर हमारे पास इनका सम आ जाए इस फॉर्म में नाइन हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास आ गया जी e की पावर ए एक्स प्लस एक्स एन प्लस साइन ए एक्स इस तरह से इन टर्म्स का क्या आ जाए सम आ जाए तो फिर हम इसका वाई पी किस तरह से लिखेंगे। इस सूरत में अगर हमारे पास इन टर्म का सम आ रहा है तो हम क्या करेंगे इस सूरत में हर एक का वाई पी लैदा लैदा लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कह लेंगे वाई पी वन इसको लैदा से इसके ऊपर रखेंगे ई एक्स का क्या बनता है एक्स का मीन के बनता है हमारे पास ये लिखा हुआ हमने एक्स की पावर के ए ई एक्स इस तरह इसको हम कह देंगे वाई टू रख के यहां पे इसका हम ओपन कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट वाई पी का ये हमारे पास आया है एक्स के ए वन एक्स एन प्लस ए टू एक्स एन माइनस वन प्लस सोन प्लस ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन और इसी तरह हमारे पास जो थर्ड वाला है इसको भी लैदा से रखेंगे वाई पी इसको थ्री कह लेंगे एक्स के और इसका हमारे पास होता है ए कोज एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो अगर हमारे पास इनका सम आ जाए टर्म्स का तो इन सब का हम अलग अलग से वाई पी निकालेंगे और फिर क्या करेंगे इन सब के वी इन सब के जो वाई पी हमने निकाले इनको सम कर देंगे यानी कि वाई पी वन प्लस वाई पी टू प्लस वाई पी थ्री।
इस तरह से इनका वाई पी जे हम फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगेन देख लो स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमने क्या करना है, अनडिटरमिनेंट कोफिशिएंट के मेथड से वाई पी निकालना होता है, पार्टिकुलर इंटीग्रल, और वो निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स के ऊपर कुछ क्या होती है, कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन कांस्टेंट हो तो फिर वाई पी हमने इस तरह से लेना है, एक्सपोनेंशियल आ जाए तो वाई पी इस तरह से, पॉलिनोमियल आ जाए तो वाई पी को इस तरह से लिखना है, इस तरह हमारे पास साइन एक्स और कोज एक्स आ जाए तो हमारे पास वाई पी इस तरह से लिखेंगे। अगर प्रोडक्ट आ रहा है तो फिर हमने उसको इस तरह से लिखना है, और अगर उनका सम आ रहा है तो फिर हर एक टर्म का हम वाई पी लहदा से लिखेंगे, और फिर जब हमारे पास हर एक वैल्यूज का लहदा से वाई पी आ जाएगा तो उन सबको प्लस कर देंगे तो हमारे पास वो होल वैल्यू जो है उसका क्या आ जाएगा, वाई पी आ जाएगा। ठीक है, और यहां मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट के क्या है, के जो है हमारे पास एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता है। ठीक है, जो हमें ये बताता है के, हमें क्या बताता है, एक्स की पावर के जो है के हमें ये बताता है कि कोई भी ऐसी वैल्यू जो वाई पी के अंदर है वो वाई सी जो हम फाइंड करते हैं उसके अंदर नहीं होगी। हमारे पास के क्या बताता है, के हमें इस बात की गारंटी देता है, ये एक्स पावर के जो है इसलिए होता है कि जो वैल्यू वाई पी के अंदर है वो पहले से वाई सी के अंदर नहीं होगी। ये हमने याद रखना है, के हमें क्या बताता है, के हमें ये इंश्योर करता है कि वाई पी के अंदर जो वैल्यूज हैं वो वाई सी के अंदर पहले से मौजूद नहीं है। यानी कि हम फाइंड करते हैं ना y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, तो ये जो हम यहां पे वाई पी निकालते हैं, यहां पे लिखते हैं x की पावर k, k हमें इस बात की गारंटी देता है, ये बता रहा होता है कि वाई पी के अंदर जो टर्म्स आ रही हैं, वाई पी के अंदर जो टर्म्स आ रही हैं वो पहले से वाई सी के अंदर नहीं होंगी। ठीक है स्टूडेंट, ये याद रखना है, क्योंकि पहले हम वाई सी निकालते हैं फिर वाई पी, तो वाई सी और वाई पी की जो सेम टर्म नहीं होने चाहिए। तो हमें जो के है बेसिकली वो यही बता रहा होता है कि वाई पी के अंदर जो टर्म्स आ रही हैं वो पहले से वाई सी के अंदर नहीं है। ठीक है ना, आइए स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, इसी मेथड को एग्जांपल के थ्रू जो है वो समझते हैं, हम इन्हीं मेथड को क्या करते हैं डिफरेंट एग्जांपल के ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि आपको इसकी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाए।